गाइस मेरे हस्बैंड को वाइफ नहीं छोटा वर्कर चाहिए था एक। सही गाड़ी साफ कर रहा है बच्चा? अच्छा और दे रहे हो, बोलो ये काम करो और दूसरे काम दूंगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ देख लिया मैंने कपड़ा उड़ता हुआ। हम गाड़ी साफ कर रहे हैं और फिर हम जाएंगे जावियर के पोलियो के ड्रॉप्स के लिए। आज हमारी गाड़ी साफ ही नहीं हुई है तो अब हम कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को चमका रहे हैं, अब हम चलते हैं। चलो भाई जावियर की हमने वैक्सीन पोलियो के ड्रॉप्स का काम कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने बाकी पेंडिंग काम निपटवाने। जो भी लोग पूछते हैं हर जगह पे वैक्सीन और पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो ट्यूसडे और सैटरडे को बैठते हैं। कराची के किसी भी आप हॉस्पिटल चले जाएं या मेटर्निटी होम चले जाएं तो प्लीज़ पोलियो के ड्रॉप्स या फिर वैक्सीन मिस मत किया करो। तो मैं ये कह रही थी कि जिन लोगों को भी खदशात होते ना कि घर पे जो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आ रहे हैं वो सही भी हैं कि नहीं, आया पिलाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हालात भी ऐसे नहीं हैं, फिर उनको डिसरिस्पेक्ट करने से अच्छा है कि आप जब भी तारीख हो या कुछ भी ऐसा हो आप उससे एक या दो दिन पहले अपने करीबी हॉस्पिटल मेटर्निटी होम्स वगैरह में कॉल कर लिया करो, इवन चले भी जाया करो और पूछ लो कि ड्रॉप्स कब पिलाने हैं, या फिर जो भी आपको ये कार्ड मिलता होगा उस पर मेंशन होता है सब कुछ, तो आप डेट वाइज जाओ, वो नेक्स्ट डेट भी मेंशन करते हैं। नेवर स्किप, हमेशा ये बात याद रखो, उस चीज़ में मत रहो हमने पिला दिया हमें नहीं पिलाना, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान पोलियो के उसमें सबसे आगे। पाकिस्तान में वजह है, कहाँ कहीं और पोलियो थोड़ी है, कहीं और नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है इस चीज़ में पाकिस्तान। हाँ तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखो और आसपास बच्चे हों तो उनको ज़रा इन चीज़ों से ना उनके पेरेंट्स को गाइड करना, इस चीज़ की एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिन का पहला काम हो चुका है, हमने पूरी एक चीज़ की लिस्ट बनाई हुई थी, बल्कि मैंने बनाई थी और अवैस को मैंने लिस्ट लिख के भी भेजी थी, लेकिन अवैस साहब ने कहा कि पूछ लेते हैं। अवैस लिस्ट में क्या क्या था मुझे पता है, कोई याद नहीं होगा बताओ। था ना जो लिस्ट में था वो लिखा हुआ है ना। क्या था लिस्ट में? होता रहेगा काम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम लोगों को पहले जाना है बैंक और उसके बाद जो है ये धूप पड़ गई ना इसलिए फुल वीडियो डार्क हो चुकी थी, बैंक जाना है और उसके बाद हमें जाना है वाटर पंप, क्योंकि मुझे जावियर के लिए कुछ छोटे मोटे बर्तन कलेक्ट करने खरीदने हैं, क्योंकि आप जब बच्चे का खाना वाना बनाने लग जाओ ना आप लोग कहते हैं कि रेसिपीज भी शेयर किया करो, अभी मैंने खुद भी इतना कुछ बनाना शुरू नहीं किया, लेकिन हर चीज़ कोशिश करो बच्चे की अलग रखा करो, चाहे वो कुकिंग पैन हो या फिर स्पून हो या फिर कुछ भी हो या सर्विंग की भी चीज़ हो, वो हर चीज़ से अलग रखा करो। तो हम लोग जा रहे हैं जावियर की चीज़ें लेने, फिर आप लोग साथ साथ रहना। हो गया भाई बैंक का काम, ये हल किया जावियर ने स्लिप का, मूड अच्छा नहीं है। अब इसने बस एक बार पूछा दही बड़े खाओगी, मैंने कहा हाँ, तो दिल पसंद से बेहतर जगह कोई नहीं है फ्रेस्को के बाद, अभी हम दही बड़े खाएंगे। मीनवाइल जावियर की सो गया, गर्मी लग रही थी अब तो बाल भी आने लग गए जावी के, गंजा इसको वापस कराने वाला हुआ है। अब ये सो गया है, अल्लाह करे ये जब हम मार्केट पहुँचे तो ये कॉपरेट करे, बाकी जो खैर है। ओ भाई काम की चीज़ आ गई, ये फुल ठंडे दही बड़े हैं, मैं खोल के दिखाती हूँ। इसको आज पता चला है कि दही बड़ों के साथ पापड़ी और मसाला भी देते हैं यार, इसके पैसे होने चाहिए। तो होते हैं फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं आपको। अब मैकडोनल्ड्स जाते हो, फ्राइज लेते हो, केएफसी जाते हो, मैकडोनल्ड्स केएफसी के बर्गर बच्चे, वाओ। बस बस क्यों हो, मुझे नहीं इतनी सारी चीजें पसंद, इस पे अच्छा लगता है। किसको खाना है? खत्म। अच्छा थोड़ा सा चाट मसाला डाल, अभी जल्दी डालो मेरा हाथ दर्द हो गया। चल झूठा बस है। हाँ बहुत है। चलो फर्स्ट बाइट लो। हमारा मेन काम है बर्तनों की तरफ,
और बस ऐसे तो और कोई काम नहीं है। अगर हमारे पेट में हुई जगह तो हम जाएंगे, तो सो गया जावियार। अगर हमारे पेट में हुई जगह तो हम आएंगे इधर जो फेमस है बहुत ज़्यादा, वरना तो नहीं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो हम छन्नी ले रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ छानने का ज़रूर होता है, तो जावियार की छन्नी मैं सबसे अलग ही रखूँगी। जावियार के लिए कौन सी लो? नहीं अंकल ये शायद थोड़ी अच्छी वाली बल्ले दिखाएं आप। बड़ी दिखाएगा अंकल, थोड़ी ना गहरी बड़ी। वो किसकी है? लेकिन इससे तो फिर भी निकल जाएगा जो भी आप, अगर वो हुआ ना जैसे साबुदाना वगैरह छलना। ये कितने की है? 300 रुपए। और ये पीछे वाली कौन सी बल है? ये जाली डबल है, ये किस से जाएगा? कोई भी हो, चाय के लिए हो। सही है चाय के लिए। और ये जावियार के लिए देख रही हूँ। ठीक है अंकल, ये आप दो अलग करेंगे छन्नियाँ मेरी? कितने की बता रही है? 300-200 सही कर देंगे अंकल। नहीं हाँ तो थोड़े थोड़े तो सही करने पड़ेंगे अंकल आपको, इस प्राइस पे थोड़ा मैं लूंगी। और क्या लेना? एक मैं बीटर लूंगी, मतलब हैंड वेस्ट लूंगी। पूछो हैंड वेस्ट पूछो। ये रहा मैंने अभी ये देखा। ये बीटर फ्रेश पीस ही निकालेगा इसका। मसला ये सब चीज़ों पे ना कहीं तिखर निकली हुई है, कोने निकले हुए। अंकल ये सबसे ज्यादा जंग जल्दी पकड़ता है, इसके आप ऐसे ही सही लगाएं। नहीं नहीं ये नहीं, जो जंग पकड़ता है मैंने खुद मना किया आपको। 200 रुपए तक का तो ये मिल जाता है अंकल, छोटा भले आप छोटा दें तो छोटे के तो पैसे भी कम होंगे। बहन क्या बोला तूने? मैं सच बता रही हूँ, 250 का इतना ही फर्क होता है, 500 का फर्क। अंकल मैं इसके 200 दूंगी आपको। ये किया हमने, बीटर ले लिया अपने लिए, देख रहा है ये भी सामान। दो छन्नियाँ हो गई हैं, एक बीटर है सही है, एक ये वाला चम्मच और एक देच की है। अब आप उसके सबके सही करके लगा के दें मुझे। ये 200 रुपये 180 लगा रहा हूँ। ठीक है ठीक है भाई सही है। ये 300 है, 250 लगा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हमारे तो घर में एक हफ्ते में सारे ग्लास टूट जाते हैं। ये पूरी पट्टी बोल रहे हैं 450 की है नीचे वाली। ये देखो ये सबसे ओल्ड डिजाइन है, ये देखे बस सही है। एक ये अंकल मुझे सीधे सीधे ग्लास बताएं और कौन से ऑप्शन है मेरे पास? ले ले कंपनी के रेट है, हमारे नहीं है। ये आप मुझे अंकल 6 निकाल दे, ठीक है? एक पैकेट आप मुझे निकाल देंगे और चेक करके किनारी सब्जी बस एक देखें सही है। 450 अंकल ये तोड़ देगा फिर गए हम कुछ भी अब मेरा आ रहा है मक्स पे दिल। एक ये समझ आ रहा है मुझे, एक ये ये वाला वाई पता नहीं अवेश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही है तो ले लो। एक ये और लेकिन अंकल ये हल्के हैं बहुत ज्यादा। हल्के होते हैं ना वजन वाले, वो रखे वो उसमें अच्छे भी तो लगे कोई। ये ले ले दो। इसमें कोई फ्रेश पीस होगा? निशान निशान बहुत। एक मुझे ये समझ आ रहा है अंकल और एक ये, लेकिन आप क्या कर देंगे इसके दोनों के? एक ही दाम। एक दाम में तो मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रही फिर। इंगेज करवा के इसलिए तो दाम मुनासिब बता रहा हूँ मैं। अभी से बता दें अंकल। वो सब कुछ जावियार को दिखा रहे हैं, जावियार अप्रूव कर रहे हैं तो काम हो रहा है। जावियार ओ जावी जावी चलो मुझे तो मजा आ रहा है। नहीं मजा आ रहा है। डिजाइन में फर्क है अंकल, दूसरा है मेरा, ये नहीं है। मजा आ रहा है फुल यहाँ पे। वो अंकल के पास ही है। एक ये ट्रे भी उठाई है।
हाँ साइज अंकल देख लिया मैंने, उसमें एक और भी डिज़ाइन है लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है ज़्यादा, तो फिर मैंने वही लिया है। बाकी हमने ग्लास निकलवाने के लिए रख दिए थे, वेट कर रहे हैं। हमारा सिर्फ हैंड ब्लेंडर का काम नहीं हुआ है, बाकी तो सब कुछ हो गया। मैं दिखाऊंगी घर जाके। और रविवार जाग रहे सो रहे, सब हमें ही देख रहे हैं। मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ प्रॉपर वही। ओ ये देखो इन चक्करों में गाड़ी ही नहीं दिख रही है। चलो खैर हमारा काम हो गया है, घर जाके आपको सामान दिखाती हूँ मैं। मीनवाइल अवैस की गाड़ी का साइड मिरर गिर गया है। गिर नहीं गया, वो बच्चे ने ना हिला दिया। अभी हम वो लगा रहे हैं, साथ में हम अपनी न्यू ब्लॉगिंग टूल लगा रहे हैं यहाँ पे। सही लगा। एक मिनट रुको मुझे देखिए, ये हो ना कि मोबाइल सही खड़ा हो रहा है, रोटेट हो रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें, है ना? ऐसे होगा ना। ये हम लगा रहे हैं, यहाँ पे स्टिक कर देंगे कहीं। अच्छा ये वापस निकल नहीं सकता है, इस चीज का मुझे कोई आईडिया। मुझे तो हो गया आईडिया, मुझे लगता है ये एक ही बार आप लगा सकते हो। लगा के देखो, फिर आपके तरफ ही लगाना, फिर मेरा फोन लगेगा, है ना? लगा दूं। पे जो है ना ये मैग्नेट है, और अब एक मैग्नेट मेरे फोन के पीछे स्टिक होगा, फिर मैं फोन वहाँ पे लगा के आप लोग को अपना थोपड़ा दिखाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, हमारी व्लॉगिंग किट आधी तैयार हो चुकी है। और रविया बता रहे हम दोनों ऐसे हो गए, हालत तो हमारी बिगड़ गई है। कैमरा वैसे ये है रविया, आपको यहाँ देखना है। रविया कह रहा है आई डोंट केयर। हम लोग खैर अपना काम निपटा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत पता है। मेरा मसला हल हो गया जावियार के साथ, फ़ोन पकड़ो तो फ़ोन टूट जाता है, गिरा देता है वो। अभी भी मैंने फ़ोन अपने पाँव के पास से नीचे उठाया है, तो इट्स अ गुड आइडिया। हमने ये दराज से लिया है, और इसको बोलते हैं पता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कार माउंट कहते हैं इसको, कार माउंट कहते हैं। मुझे व्लॉगिंग सिखा रहे हैं, मैंने कहा मैं क्या बोलूं, तो कह रहे बोल दो गाइस अब मैं थक गई, अब शाम हो गई, और क्या बोलूं। ये बेस्ट हो गया, अब मेरे दोनों हाथ फ्री हैं। और हमने फ्रंट कैमरा यूज़ किया है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर अभी भी लग रहा है, क्योंकि कराची के रोड ऐसे हैं, हालात भी ऐसे हैं, टूटने वूटने वाला भी डर है। फ़ोन गिर गिर के इतनी बार टूट भी चुका है वैसे भी। हम जा रहे हैं घर, मैं आपको घर जाके सारा सामान दिखाती हूँ जो रविवार के लिए लिया है, और फिर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।